इसका मतलब है कि 5 बरस तक यही ऐसे ही खेल चलता रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो इल्जाम पहले तरीके इंसाफ लगाती थी कि फ्रेंडली ओपोजिशन है मुस्लिम लीग नून के, अब यही इल्जाम हम देखें कि मुस्लिम लीग नवाज लगाएगी कि ये फायदा पहुंचा रहे हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को। 5 साल तक ऐसे चलेगा? पहली बात तो यह है कि जीशान, मुझे आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट। आपके स्टेटमेंट में यह बात छुपी हुई है कि 5 साल तक तरीके इंसाफ की हुकूमत कायम रहेगी और ये अपोजिशन खेलते रहेंगे। अच्छा, आपको नजर जो नहीं आ खेल रहा? खुद इस वक्त तरीके इंसाफ खेल, अब मैं आपको साबित कर देता हूं, मैं आपको मिसालें दे देता हूं। जी जी प्लीज, अभी जी प्लीज, दस जी प्लीज, कहते हैं ना, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे वो मानिका साहब के रोके जाने की वजह से किसी डीपीओ की तकदीर का फैसला हो, चाहे वो आमर लियाकत हुसैन की बदजबानी कह लीजिए या जो भी कुछ कह लें, उनके फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो, चाहे वो फवाद चौधरी और जवेद साहब जो है सेनेटर जवेद साहब, उनका वो हेलीकॉप्टर के सफर को जस्टिफाई करने के लिए इतना इतना बेवकूफाना आर्गुमेंट हो, आप मुझे बताइए क्या ऐसा शख्स जो वजारत आला के उहदे के ऊपर यानी फायज है और वो ये कहे कि जी मैंने तो जी गूगल पे पढ़ा कि 55 रुपये मीफी किलोमीटर पड़ता है, आप जरा अंदाजा फरमाइए गुफ्तगू के बेहंगमपन का। मुझे ये बताइए किसी को जरूरत है जस्टिफाई करने की कि प्राइम मिनिस्टर कैन यूज द हेलीकॉप्टर एट हिज डिस्क्रिप्शन जब वो चाहे, वो है बिल्कुल और सर, काहे के लिए, फिर तो हेलीकॉप्टर होने ही नहीं चाहिए वहां अगर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उनके इस्तेमाल को जस्टिफाई करने के लिए कहा किसने है इनको? दिस इज द प्रिविलेज एंड द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।